तो वेलकम बैक गाइस अनदर डे। आज हम आए हैं कहाँ पे आए हैं? तूने भी नशा कर रखा है। इसको नेचर का नशा हो गया है और ये खूबसूरत जगह है दूध सागर है क्या है? दूध सागर थोड़ा थोड़ा छोटा है। खाना खाने जा रहे हैं, चलो ये रहा। ये तो पहाड़ की थोड़ा पास है बट जैसा भी अच्छा है। सॉलिड जगह लग रहा है योगी यहाँ पे आते हुए, जंगलों के बीच में एकदम रास्ता जंगल भरा हुआ। भाई कुछ नया देखना हो ना, दूध सागर छोड़ के यहाँ आओ। हाँ, दूध सागर छोड़ के यहाँ आओ, एकदम मतलब हिडन प्लेस, एक हाइप बनाई हुई है दूध सागर की, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा, आपको आनंद लेना है। बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है, आराम से यहाँ पे रास्ते थोड़े वैसे हैं बट हाँ सबसे अच्छी जगह आप देखो जंगलों के बीच में। आपको होके जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये चीज दिखाओ, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चप्पल वगैरह मत छोड़े आप, हम खुद लेके आ रहे हैं भाई। कचड़ा है हमारा। डस्टबिन यहाँ पे नहीं है तो आप ले जाओ, गाड़ी में आप डाल दो या किसी भी व्हीकल से आप आ रहे हो और आप मेन सिटी में जाके या कहीं भी डस्टबिन हो वहाँ पे डालिए। जंगल में आप गंदगी मत करो कृपया करके। हमने कुछ देखा है क्या है? अभी हमारी अभी हमारे बॉल बन गया। ओह नाइस, जूम कर ये किस तरह का कीड़ा है? अभी लगाते हैं इसको हाथ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था और ये रास्ता कुछ इस तरीके का है। गाड़ी हमारी ये खड़ी और अब हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं। चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी गौतम के पास है तो वेट कर रहे हैं कि नशा भाई नेचर का नशा अलग ही होता है भाई। बेस्ट जगह दोस्तों हम आ चुके हैं वाइल्ड लाइफ जंगलों में। ये है दूध सागर का वाइल्ड लाइफ जंगल। ये है हमारे साथ मदन मोहन सरकार, ये है उनकी टीम, मदन मोहन सरकार और उनकी टीम के साथ। भाई दोस्तों आगे हम झरने से आ चुके हैं, झरने की वीडियो हम आगे डाल देंगे और उसके बाद आगे चलते हुए पूरा जो मौसम है बहुत ही खराब है क्योंकि धूप आ चुकी है। जब तक मौसम में बारिश थी तब तक सब कुछ सही था। फाइनली गाइस हम पेट्रोल भरा के यहाँ से निकल रहे हैं अपनी जर्नी की ओर और सफ़र में भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कहाँ पे जाना है क्या करना है। गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है और ये हमारे सिद्धार्थ भैया कैसा आ रहा है? मज़ा आ रहा है ट्रिप पे? बहुत मज़ा आ रहा है। इंजॉयमेंट चल रहा है, बाकी लोगों से पूछते हैं। We are trying best to have fun. ये पैर है किसी का? ये हमारे दीपू भैया। तो गाइस चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं एग्जैक्टली हमें अभी तक नहीं पता, तो चलिए आगे चलते देखते हम क्या करते हैं। बने रहिए हमारे साथ एंड तक ब्लॉग में। अभी हम खाना खा रहे हैं तो उसके बाद हमें फिल्टर कॉफी मंगा ली, तो ये हम प्यार भी है असली ना ही है। तो क्या हुआ, मदन ने इसकी कॉफी मांग ली, उसके बाद फिल्टर को बोर्ड से लगाई तो नई कॉफी मंगा ली। ऐसा कुछ नहीं है, बदनाम किया जा रहा है बेचारे को, फालतू फितर आए बदनाम नहीं करेंगे। भाई टेंशन मत ले, नहीं कर रहे बदनाम तो जाए। ये देखो ये ले ये होता है ये होता है प्यार।
देखो अपनी कॉफी मेरे को दे दी, अपनी कॉफी इसे दे दी, ये होता है। सिद्धार्थ के बारे में क्या कहना है? यार बढ़िया लगा यार, लेकिन तुमने तो बिना बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। नाम और उतार दो अब। ये हमारा एक और नमूना, एक नंबर का नमूना है पूरे ग्रुप का। ये देखो, ये देखो, ऐसे ग्रुप चल रहे हैं इनके बातों में, बच जाओ भाई। मैं ही हूं जो पूरे ग्रुप में आता था इसलिए। तो गाइस हमने खाना खा लिया कहाँ पे, होटल ओबीपी में, प्योर वेज में। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि ऑलरेडी पता है, कैसा था एक्सपीरियंस खाने का? ओके ओके, बढ़िया था, बढ़िया था, बढ़िया था खाना। इस आके इट वाज आके। तू किस बात के लड़ मरा? हां, क्या हो गया इस बार? तो मिस्टेक मैन। ये बंदा अभी अभी देखो हाथ में देख रहे हो उसके, ये इस दुकान से निकला है, ये वाली दुकान जो है ना भाई, मैं दारू पीता हूं और इसमें डाल रखा है। सुपर बंदा है ना, तो आप अच्छे से देख सकते हो क्या हो सकता है इस पे। ये डालना, क्यों नहीं डालें? नहीं नहीं नहीं, जूस जूस पी रहा है, जूस पी रहा है भाई। मौसमी का जूस दिखाओ, मौसमी का जूस है। हां ये देखो मौसमी का जूस है, लो लो लो, साबित हो गया मौसमी का जूस है। ये फ्रॉड बंदा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हां भाई कर दिया, कर दिया हमने भाई अनलॉक। चलो गाइस अब मुझे दोबारा ड्राइव करना है, और हम आप जा रहे हैं एक रिजॉर्ट में जहाँ पे कतई हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं। कैसा, आप क्या बोलोगे उस रिजॉर्ट के बारे में? एक्चुअली हमने जो बुक किया था एयरबीएनबी पे देख के, कुछ वैसा लगा नहीं उसमें। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ख़राब हैं, लाइक वो हम डिस्कस करेंगे जाके। हाँ, वो जाके हम जाके डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अ फैक्ट, और ताकि अगर आप इस होटल में जाओ तो एटलीस्ट आप बच जाओ कि आप नहीं जाओ। और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो, व्हाट यू शुड डू, हम ये आपको बताएंगे। क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें आपके साथ ख़राब हो। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं तब्बे रूम में। ये इस तरीके का रूम है जैसा मैं बात कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बताऊँगा अभी नहीं, बाद में। फिलहाल तो हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा चिल करना, शायद बारिश हो रही है, लेकिन हमें दिक्कत वाली कोई बात है नहीं क्योंकि हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, हमारे व्हीकल हमारे साथ हैं। तो होपफुली विल हैव फन। तो तैयार होते हैं और निकलते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, अभी रात में क्या करने वाले हैं। और अभी का टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। तो देखते हैं रात में गोवा कैसा लगता है, चलिए चलता है। तो गाइस हम हो चुके हैं तैयार और हम देखते हैं कि हमारे लौंडे अभी तैयार हुए हैं कि नहीं, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। तो किस हम रूम में अंधेरा हो रखा है अभी तो कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे तो कोई मुझे नजर आ नहीं रहा है। ये रहा दीपू, दीपू क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? क्या भी नहीं है? अभी तैयार नहीं है, ये लोग प्लान बना रहे हैं, फिर ये लोग सो जाएंगे। मुझे लगता नहीं इन लोगों का जाने का मन, परेशान हूँ। फिर से आशा नहीं है कि आज कुछ हो पाएगा। देखिए ना इन्होंने तैयारी की है ना कुछ किया है, तब से प्लान पे प्लान किया जा रहा। कोई दिक्कत नहीं, इन्हें लग रहा है ये लोग कहीं नहीं जा रहे, बट हम जाएंगे तो कहीं नहीं। गाइस काफी देर बाद ये लोग तैयार हुए हैं, हो रहे हैं अभी तक। भाई ये देखो अभी तक तैयार नहीं हुए, अब इतनी देर में तैयार नहीं होती भाई, ऐसे थोड़ी यार। ये तो गलत बात है, गलत बात है। ये जगह जिस बारे में हम बात करने वाले थे, तो अब बताइए कि क्या बोलना चाहते हैं इस जगह को लेके। इसे पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं है, ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है? कलर नहीं है, कलर हो रहा है कहीं पे, तो कलर की बदबू आ रही है, जैसे कि नया पेंट हुआ है 2 दिन हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बल्ब्स हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं रूम्स में, बिल्कुल ठीक है। एसी
बिल्कुल बेड के ऊपर लगाया हुआ है, सीधे मुंह पे हवा पड़ती है, एसी ठीक से नहीं लगा है। बाथरूम इतना छोटा है कि दरवाजा पूरा नहीं खुलता। ये बात है, बाथरूम में इतने बड़े बड़े कीड़े देखे जा रहे हैं, वीडियो में ऐड कर देना। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं और आप देखिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। जी गाइस हम आ गए बीच के पास फाइनली, रात में 1 बजे, नाइट कुछ इस तरह है बट ऑलरेडी खाली हो चुका है सारी चीज़ें, बट हाँ हम आए बीच का मजा लेने। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।